नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार, आप देख रहे हैं जनमित्र और आज हमारे साथ है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा एक शिक्षक है और ये बराबर एक्टिव रहते हैं बक्सर के राजनीति में, देश दुनिया में क्या होता है उस पर भी एक्टिव रहते हैं और लिखते रहते हैं। अजय जी है हमारे साथ, हम इनसे आज बातचीत करेंगे और आपको लेके चलते हैं सीधे अजय जी के पास। नमस्कार सर। आप जो है क्या शुरू में ही सोच के मतलब ये थे कि मतलब हम आगे चल के जो है राजनीति में सक्रिय होंगे या फिर धीरे धीरे ही हो गया ये? मतलब हम पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो राजनीतिक दिलचस्पी जो बढ़ी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं UPSC का प्रिपरेशन में था दिल्ली में, खजी नगर में 4 साल रहा। वहाँ से जब मैं वहाँ काम कर रहा था तभी RTI को लेकर मेरे अंदर कुछ उत्सुकताएँ थी और कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप मिला, हमारी जैसी मानसिकता वाले लोगों का ग्रुप, और फिर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तैयारी भी चल रही थी और RTI वगैरह फाइल करके हम लोग बहुत सारी सूचनाएं भी इकट्ठा कर रहे हैं। इसी दौरान मेरे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, हालांकि स्टेट कमीशन में दे सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, 30 तो ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ, अगर और आगे समय दिया गया तो शायद जो एनर्जी बची है वो एनर्जी कहीं ना कहीं बेकार है। 2009-10 में जो देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध माननीय अन्ना हजारे जी का आंदोलन शुरू हुआ, उसमें लगा कि नहीं, अब जो परिस्थितियां हैं देश की, जिस तरह से भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुंह बाए खड़ा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग आगे आए। अन्ना आंदोलन बहुत ही चर्चित रहा पूरे देश में और वो ऐसा आंदोलन था जो पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे देश को प्रभावित किया। उस आंदोलन से आप जुड़े रहे और उस आंदोलन के बाद एक पार्टी उभरी पूरे देश में जो अभी आज दिल्ली पे कब्जा भी कर रखी है, और जहाँ तक मुझे मालूम है कि अजय मिश्रा उस पार्टी के मेकिंग में भी थे और उससे जुड़े रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वो जो पार्टी थी उसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या था उसका मेन? वही, जब अन्ना का आंदोलन शुरू हुआ तो लोकपाल की डिमांड हो रही थी कि एक लोकपाल चाहिए जो निष्पक्ष हो, जो किसी के नियंत्रण में ना हो। ये बात, हालांकि वहाँ मीटिंग्स में ये बातें होती थी, एक बार मैंने कहा भी था कि मुझे ये सारी चीज़ें सिर्फ कल्पना लगती है, क्योंकि आप किसी चोर से कहिए कि तुम ऐसा कानून बनाओ जो चोर को पकड़े, तो मुझे नहीं लगता है कि चोर कभी इसके लिए एग्री होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज अगर हम संसद और विधानसभाओं को देखें तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेजॉरिटी में अपराधी, बलात्कारी, फ्रॉडिये और इस तरह के लोग जो है वो अग्रणी भूमिका में बैठे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो पार्टी बनी थी जिस काम के लिए, वो काम अभी भी नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। ये देश का दुर्भाग्य, इसकी शंका आपको पहले से ही थी? जी बिल्कुल, लगता था ऐसा। आप देखिए चीज़ें कैसे बदली हैं, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे लोगों को एक झटके में पार्टी से सिर्फ इसलिए निकाल देना कि ये लोग गलत चीज़ों का विरोध कर रहे थे। आपका सीधे तौर पे कहना है कि उसमें जो पिलर जो थे, योगेंद्र यादव हुए, प्रशांत भूषण हुए और जो इस तरीके लोग, उनको वो लोग जब हटे तब पार्टी कमजोर हुई? शायद कमजोर ही नहीं हुई, ये तो पहले से ही दिख रहा था, बात व्यवस्था परिवर्तन की हो रही थी। और जब आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो सिर्फ एक व्यवस्था राजनीति, लगता है आपको कि सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था बदल के आप पूरे देश को बदल देंगे? सिर्फ हम एक जगह राजनीति को पकड़ के बैठे रहे और उस राजनीति को जहां जाने के बाद आप भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरे कर रहे हैं, सर व्यवस्था परिवर्तन का सपना दिखा था ना कि अलग राजनीति होगी, ईमानदार राजनीति होगी। निश्चित, ये यही सपना जो था उसने मेरे जैसे राजनीति के घोर विरोधी व्यक्ति को भी राजनीति में जोड़ दिया। मैं घोर विरोधी था राजनीति का और मुझे लगता था कि राजनीति में मेरे जैसे लोग कभी एडजस्ट हो ही नहीं सकते, लेकिन जब वहाँ से शुरू हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अभी जो समाज की, देश की मांग है उसमें मुझे अपना सक्रिय सहयोग देना है, और इस वजह से मैं अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी तक जुड़ता चला गया। और उसके बाद अजय जी ने जो है बक्सर में आम आदमी पार्टी का नींव भी रखा। अगर आम आदमी पार्टी को अगर हम जानते भी थे बक्सर में, हम लोग सुनते थे, तो अजय मिश्रा थे उसमें, सक्रिय थे, सही हूँ मैं ना? जी बिल्कुल। तो आप सचिव थे शायद उसका? जी सचिव, सचिव भी आम आदमी पार्टी बक्सर में है, लेकिन आप उसमें नहीं है, इसका क्या वजह है? पहले तो मैंने आपको बताया है कारण, विचलित हो गए। हाँ, एक झटके से जो पिलर्स थे पार्टी के और जो कहीं भी सच बोलने का मादा रखते थे, वैसे लोगों को एक झटके में पार्टी से बाहर कर दिया गया, पहली बार। दूसरी बार,
पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ था कि जब पार्टी किसी भी लोकसभा या विधानसभा का टिकट वितरण करेगी तो वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, किसने काम किया, इसका पालन नहीं हुआ। सबसे बड़ी विडंबना ये हुई कि फ़ोन करने पर वही मनीष सिसोदिया, वही के अंदर अरविंद केजरीवाल, जो एक फ़ोन करने पर अगर फ़ोन उठा नहीं पाते थे तो रिवर्स कॉल करते थे, फ़ोन उठाना बंद कर दिया गया। और तमाम वैसे लोग पार्टी में जुड़ते चले गए, उन लोगों के करीबी हो गए जो उनकी चाटुकारिता करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। और जहाँ तक मेरे सही में नेता बन चुके थे, हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मेरे व्यक्तित्व की बात है तो मुझे इन दो चीज़ों से सख्त नफरत है। मैं कभी चाटुकारिता नहीं कर सकता, मैं कभी चमचा। लोग कहते हैं कि अजय मिश्रा टिकट चाहते थे, टिकट किसी और को दे दिया गया था, झटके में पार्टी तोड़ दी, इस पे क्या करना है? बिल्कुल यही बात, क्यों नहीं चाहूँ मैं। जो व्यक्ति दो साल अपने पॉकेट से 70 से 80 हज़ार रुपया खर्चा करके घूम घूम के जिले भर में पार्टी को खड़ा करता है, एक झटके से, मैं इस बात से दुखी नहीं था कि आपने मुझे टिकट नहीं दिया, मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि आप कोई कमेटी भेजते, वो यहाँ आती, कार्यकर्ताओं को बैठाती और उनसे पूछ लेती, उसके बाद जिसको देते मैं उसको स्वीकार कर लेता। डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए था, जो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही। आप जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं सर, तो दो तीन चीज़ों के लिए तो एकदम पक्का है कि होना ही चाहिए। डेमोक्रेसी में आपके दल का व्यक्ति भी अगर आपसे असहमत है तो उस असहमति का सम्मान होना चाहिए। अच्छा, आपको काम दिखता है अभी दिल्ली में केजरीवाल का, तो लोग बोलते हैं नहीं काम हो रहा है, मतलब अच्छी शिक्षा व्यवस्था वहाँ पे हो गई है, पानी और बिजली इस तरह की जो नहीं, आपको नहीं दिखता है चेंज? जितनी बातें उन्होंने कही उसका मुझे जहाँ तक लगता है, चूँकि मैं दो साल में दो बार तीन बार दिल्ली चला ही जाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि 20% भी उन कामों को कर पाए। जी, उसके बाद अब स्वराज इंडिया से जुड़े, स्वराज इंडिया जो योगेंद्र यादव और जी प्रशांत भूषण और आनंद सर ने बनाई थी, देखिए उसका उद्देश्य आज भी स्पष्ट है। मुझे याद है योगेंद्र जी आए थे पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में, कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा था कि मुझे राजनीतिक साधु चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। अब राजनीतिक साधु बनने के लिए आज के युग में जहाँ इकोनॉमी जो है सबसे बड़ा फैक्टर है, आप कहते हैं हम जनता से पैसे लेकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन स्थिति ये है कि जनता का देश की हर राजनीतिक पार्टी से कमोबेश विश्वास उठ चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आपको देखने को मिलेगा कि 70 साल का लोकतंत्र हुआ हमारा, अब तक मेरे हिसाब से वोटिंग का परसेंटेज 90+ होना चाहिए, लेकिन आप उठा के देख लीजिए 70 जाते जाते हद हो जाती है और बहुत सारे लोग वोट करने नहीं जाते हैं। एक लाइन में उनका कहना है मारिए सब वही है, क्या फर्क पड़ता है। आप 2014 में चुनाव भी लड़े, 2015 में चुनाव लड़े बक्सर का, उसमें शायद 100,000 वोट आपको मिले जी, थे। जी जी, कैसा अनुभव रहा चुनाव लड़ने का, जो आदमी एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करना चाहता है? जी बिल्कुल, दो तीन चीजें उसमें स्पष्ट थी। एक तो ये कि जहां भी मैं जा सका, मैंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च किए, जहां भी मैं पहुंच सका, लोगों से जब मैंने बात की तो इस बात में कोई शक नहीं है कि लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए, स्वागत करते हैं लोगों का, लेकिन फिर वही समस्या आगे खड़ी हो जाती है, वो राजनीति किस तरह से हो, सिस्टम क्या हो उसका, क्योंकि अगर हमको प्रचार करने भी जाना है चुनाव में तो उसके लिए पैसे चाहिए, उड़ के तो कोई जाएगा नहीं। आपके साथ अगर कोई कार्यकर्ता जाता है, सारा दिन घूमता है, जाहिर सी बात है उसको कम से कम भोजन तो चाहिए। तो इन चीज़ों को मैंने देखा कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पूरा करने में राजनीतिक दल अक्षम हो रहे हैं, इसकी वजह से भ्रष्टाचार के कई आयाम आप भी आपको और हमको देखने को देश में मिल रहे हैं। अभी अब स्वराज इंडिया से भी दूर हो चुके हैं सर। जी जी बिल्कुल, उसके बाद एक आंदोलन जैसे संगठन में सक्रिय है जी, बक्सर बक्सर को लेकर काम। बिल्कुल, आंदोलन का मेन मकसद क्या है, कैसे बना आंदोलन का क्या है? देखिए जब आंदोलन का गठन हुआ उस वक्त मैं दिल्ली में था, मैं यहाँ नहीं था, मुझे फ़ोन करके बाकायदा उसमें उपस्थित रहने को कहा गया। मैंने कहा कि मेरा पूरा नैतिक शारीरिक हर तरह का सपोर्ट है आंदोलन को, चूँकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बक्सर में युवाओं का एक बड़ा समूह इस बात को लेकर जागरूक है कि हमें बक्सर की दशा दिशा और व्यवस्था बदलना है। मैंने कहा कि मैं सपोर्ट में रहूंगा। आंदोलन शुरुआती के दौर में बहुत छाया रहा बक्सर, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बीच में उस पर भी कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि जातिवादी संगठन है, जाति
बाद इसमें भी शामिल रहता है और उसको लेके कई झटके से कुछ लोग बाहर निकल गए, क्या सच्चाई है उसमें? मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश, हालांकि अभी तो ये स्थिति कमोबेश देश के राज्य की हो, ये तो अभी आपने कर्नाटक चुनाव में देखा, बोका लिंगायत और लिंगायत एकदम स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं जातियों में बटे हुए लोग थे और वोटिंग उनको जाति विशेष के नेता और पार्टी को ही करनी थी। तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बक्सर का, मैं जहाँ तक समझता हूँ, कि अगर कोई संगठन खड़ा होता है, उसकी कार्यशैली जब बेहतर होनी शुरू होती है, तो बक्सर में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं कि उस संगठन के अलग अलग सदस्यों से मिलते हैं और उल्टे सीधे पाठ पढ़ाते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि आंदोलन भाजपा की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम, ये कहां तक सही है? देखिए, कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, अगर आंदोलन में कोई ऐसा शख्स है, मैं अपने कोई उदाहरण ले लेता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ 4 सालों से, एक बौद्धिक और एक दो जगह आंदोलनात्मक कुछ काम किए हैं हमने, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। तो एक ये रिकॉग्निशन, एक पहचान बन गई है, जाहिर सी बात है, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं बक्सर की राजनीति में कुछ ईमानदार शुरुआत करनी है और अगर मेरे पास किसी पार्टी का ऑफर आता है और मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आप कहें कि आप तो मान लीजिए कांग्रेस का ऑफर आता है, मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, अरे ये तो कांग्रेस की बेटी, ये कोई बात नहीं। आप लगातार जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, दूर दूर से लोग फ़ोन करके पूछते हैं कि बक्सर में अजय मिश्रा कौन है जो सांसद के पीछे पड़ा हुआ है, क्या कारण है आप सीधे सांसद के पीछे हाथ धो के पड़े? देखिए, मैं कम से कम हर चीज़ को व्यक्तिगत स्तर पे एक बार जांचने की कोशिश जरूर करता हूँ। माननीय सांसद महोदय के एक साल 2014 से 2015 मार्च तक और अप्रैल में एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने प्रभात खबर में, जिसमें लिखा हुआ था कि पूरे एक साल का 5 करोड़ का एमपी लैड जो था इनका, वो लैप्स होकर चला गया, इन्होंने 1 रुपया भी बक्सर में नहीं लाया। जब मैंने कैलकुलेशन किया कि बक्सर में रहे कितने दिन, तो एक साल में बक्सर में इनको उपस्थिति मात्र 24 दिन थी, हर महीने में 2 दिन एवरेज मिलता था। मुझे यही महसूस हुआ कि जो व्यक्ति 1,32,000 वोटों से बक्सर के जनता का मत लेकर जीतता है और एक साल में सिर्फ 24 दिन बक्सर में उपस्थित रहता है, तब तो बक्सर के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता है। आखिर हमने इसलिए सांसद नहीं चुना है कि वो बक्सर की समस्याओं पर ध्यान न दे, वो बक्सर के लोगों से मिले नहीं, वो बक्सर की, आपको क्या लगता है वो 5 करोड़ रुपये एक साल में खर्च नहीं हो सकते थे? बक्सर में समस्याओं की कमी है, हजारों समस्याएं मुंह बाई खड़ी, लेकिन सांसद महोदय को बक्सर से ज़्यादा भागलपुर में उपस्थित देखा गया। आज भी आप उनका लेटर पैड उठा के देख लीजिए, बक्सर में कोई उनका स्थायी पता नहीं है। सांसद महोदय के 4 सालों के जितने भी नली और गली का काम कराया गया है, कोई भी काम 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिका है। इसके अलावा सोलर लाइट यहाँ पर सांसद महोदय ने 24 लगवाए हैं, एक सोलर लाइट का दाम 3 लाख रुपये है, समझ में नहीं आता वो सोलर लाइट चांदी का लगवाए हैं सोने का लगवाए हैं, उस पर भी बकायदा RTI से हम लोगों को जानकारी मिल चुकी है। कुछ लाइट खराब भी हो गई, काम नहीं कर, 15 दिन हम लोग आ रहे थे, 15 से 16 दिन बाद हमको लगता है कि 50% लाइट्स खराब हो चुकी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हो सकता है, और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि उसमें संसदीय समिति की चिट्ठी थी राज्य सरकार को कि अगर लाइट का काम कोई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में करवाता है, तो उसके लिए वो या तो केंद्र की किसी समिति से करवाएगा या फिर राज्य सरकार की किसी समिति से करवाएगा। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन सारे चीज़ों को ताक पर रखते हुए सांसद महोदय ने अपने बड़े बेटे अरिजीत शाश्वत चौबे को उसका ठेका दिया है और उन्होंने सारे सोलर लाइट से भरा। बहुत लोग हैं जो आपके पोस्ट को पसंद करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनका पोस्ट अस्तरहीन होता है, आप कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं जो शायद नहीं होना चाहिए, क्या सही है? मुझे लगता है कि सर, जब आप विरोध में आते हैं, तो अब तो जब देश के बड़े बड़े पदों पे बैठे लोग राजनीति को स्तरहीन बना देते हैं, स्वयं सांसद महोदय ने सोनिया गांधी के बारे में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी विश्वामित्र होटल में, जिसके लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव भी किया था, तो मैं तो सिर्फ बेशर्म और निर्लज्ज ही लिखता हूँ। ग्लोबल इफेक्ट है कहने का, बिल्कुल, मैं तो इससे ज्यादा गाली नहीं लिखता, मैंने उनको आज तक गाली नहीं लिखी है मैंने उनको, हाँ निर्लज्ज और बेशर्म जरूर कहता हूँ, ये कहीं से भी मुझे नहीं लगता है गाली है, हाँ थोड़ी सी तल्ख भाषा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। आप
के फेसबुक पोस्ट पे बराबर रंगा बिरला शब्द का इस्तेमाल होते रहता है, ये रंगा बिरला कौन है? दरअसल ये वाक्य बहुत ही मज़ेदार है, छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हमारे माननीय सांसद महोदय बक्सर में आए संसदीय क्षेत्र में, एक साल के बाद जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद ये बातें छनकर आने लगी कि उनके दोनों सुपुत्र केलो एमपीलैड से जितने भी काम होते हैं उनमें खुलेआम कमीशन खोरी करते हैं। ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड जितने लोगों ने भी इनके संसदीय एमपीलैड के कोटे से काम करवाया है आप ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, लोग कहेंगे कि खुलेआम कहते हैं कि इतना प्रतिशत दे दीजिएगा तभी आपको काम मिलेगा, एडवांस लेते हैं इसके बाद काम रिकमेंड करते हैं। ये काम उनके सुपुत्र अविरल चौबे, कुपुत्र अविरल चौबे देखते हैं। और सबसे मजेदार बात कि इसी एमपीलैड को लेकर दिल्ली इनके आवास पर एक दिन दोनों भाई लड़ गए थे और वहां पर ये डिवाइड किया गया कि 2.5 करोड़ का काम अरिजीत शाश्वत करवाएंगे और 2.5 करोड़ का काम अविरल शाश्वत करवाएंगे। विमल जी आप ये बताइए कि क्या जो 5 करोड़ रुपए एमपीलैड का माननीय सांसद महोदय को मिलता है उनकी पैतृक संपत्ति है? वो बक्सर की जनता का पैसा है, ये इकोनॉमिक फ्रॉड कर रहे हैं आप। करप्शन का जो एक्ट है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है देश का, उसको देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति इकोनॉमिक फ्रॉड करता है तो उसको भी अपराधी ही माना जाएगा। आपने ये शब्द दिया है बिल्कुल, तो अगर मैं रंगा बिल्ला कहता हूँ तो मुझे नहीं लगता कहीं से गलत है, और मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास हर चीज का प्रमाण है। इनके द्वारा नली गली बनवाई गई, सड़कों जी इनके द्वारा बनवाई गई हैं, सबके वीडियोस बाकायदा हम लोगों ने बनाकर रखे हुए हैं, समय आने दीजिए पब्लिक तक फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और कोर्ट के समक्ष एक साक्ष्य के रूप में हम लोग प्रस्तुत करें। मतलब आगे की रणनीति क्या है आपकी, मतलब आप कहीं चुनाव ना भी लड़ने वाले हैं? जी नहीं, कुछ फिलहाल सोशल काम चलते, सिर्फ सामाजिक कार्यों पे फोकस किया करेंगे। अभी बॉक्सर के लिए एक ट्रॉमा सेंटर की डिमांड हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज भी जी आज भी लिखा है, मैंने एक दिन पहले भी लिखा था, मैंने सांसद महोदय को बाकायदा 9 जुलाई तक का डेडलाइन भी दे रखा है कि बक्सर की चिकित्सा व्यवस्था आप सुधारिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का की इतनी शक्ति तो अवश्य है कि अगर वो एक बार गंभीरता से स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ देख दें तो हफ्ते दिन के अंदर बक्सर जिले की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर आ जाए। आपका मुखालफत करने का सबसे जो बेहतरीन सोर्स है वो सोशल मीडिया है, आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल, तो ये नहीं लगता आपको कि आपको सड़क पर भी ज़्यादा उतर के आंदोलन करना चाहिए उनके खिलाफ? जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, आपने कहा लड़ाई चार तरह की होती है, तो आप एक मोर्चे पे काम कर रहे हैं? जी बौद्धिक पे है, लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि एक महीने के अंदर हम सड़क पे भी उतरेंगे, हम रचनात्मक भी करेंगे। अब मान लीजिए कि ये बीजेपी से आते हैं, बीजेपी किसी और को चुन के दे दे, कोई अच्छा व्यक्ति को दे दे यहाँ, तो फिर तो शायद आप साथ में रहना चाहिए आपको, रहेंगे भी? वो तो समय बताया, अच्छा देखेंगे वो समय बताया। मतलब आपका आइडियोलॉजिकल कोई विरोध उनसे नहीं है, आपका विरोध इसलिए है व्यक्ति? आइडियोलॉजिकल विरोध है इस मुद्दे पर कि बक्सर की 20 लाख जनसंख्या में क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उपयुक्त है बक्सर से सांसद के लिए? अच्छा, बक्सर से लोग होने चाहिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये आपकी आपकी फीलिंग अपने घर के लिए जितनी होगी मेरे घर के लिए उससे जरूर कम होगी, ये बात स्पष्ट है। आप कितना भी अपना सीना चीर के दिखाने की कोशिश करें कि नहीं एकदम जैसे मैं अपने घर को समझता हूँ, अपने परिवार के लोगों को समझता हूँ, वैसे ही मेरे परिवार के लोगों को भी समझता हूँ, ये मैं संभव नहीं करता है। बिल्कुल नहीं, आप इंसान हैं, आप इंसान हैं, आपके साथ वो सारे गुण और दोष हैं, वो सारी खामियाँ हैं जो एक इंसान में हो सकती है। आखिरी सवाल होगा कि आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप चेयरपर्सन, बिल्कुल, तो अभी एक RTE है, कानून है जिसमें 25% करना है बच्चों का एडमिशन लेना है, तो उसको लेकर कभी मीटिंग सिटिंग हुई थी बक्सर में, उसमें भी कुछ बातें आई थी, आपको क्या लग रहा है इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से चल रहा है? देखिए मेरी जानकारी में लगभग 300 स्कूल बक्सर में निजी विद्यालय के नाम पे चल रहे हैं, जिला प्रशासन ने मात्र 45 स्कूलों को रजिस्ट्रेशन दिया है, प्रस स्वीकृति दी है। सर जहाँ 300 स्कूल हैं वहाँ मात्र 45 को प्रस स्वीकृति देकर आप कौन सा RTE लागू करवाना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें जिला प्रशासन की या राज्य सरकार की कोई ऐसी मंशा लगती है कि नहीं हमको बेहतर तरीके से बक्सर में RTE जो है उसको लागू करवाना है और 25% कोटे में वैसे बच्चों का एडमिशन करना है जो
ज़्यादा फ़ी पे नहीं कर सकते या जो जिनके पेरेंट्स जो हैं सरकारी निजी विद्यालयों में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल, तो मतलब आप चाहते हैं कि 300 स्कूल उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए? बिल्कुल, सबको मिले। तो आपको नहीं लगता है कई ऐसे स्कूल हैं जिनके यहाँ मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, उनका जो जितना चाहिए क्राइटेरिया उतने वो नहीं है, क्लासेस नहीं? ठीक है, मैं इस बात कुछ मापदंड तो होना चाहिए इस बात से भी मैं सहमत हूँ, लेकिन RTE जो का जो एक्ट है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर स्कूल है तो आप उसको कंडीशनल रजिस्ट्रेशन दे दीजिए शुरुआती दौर में जी, 3 साल के लिए या अभी 5 साल कर दिया गया उसको बिहार सरकार के द्वारा। तो जब कंडीशनल की बात हो रही है तो आप कंडीशनल दे दीजिए, उनको कहिए कि 5 साल में इन इन क्राइटेरिया को अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं, ये तरीका हो सकता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। शहर की शख्सियत कार्यक्रम में ये थे अजय मिश्रा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।